नमस्ते एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। तो 11th क्लास, आई होप रिलेशन फंक्शन थोड़ा बहुत समझ आया आपको। रेंज डोमेन जो मैंने कुछ समझाने की कोशिश की, आप लोगों के पल्ले पढ़नी स्टार्ट हुई। आज हम रेंज और डोमेन के कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अगर हम स्कूल के पेपर्स की बात करें, बेस बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना सारे के सारे। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन टच नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टचिंग एनी डोमेन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वाई? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट नहीं किया है। जो टीचर ट्रिग्नोमेट्री भी अभी करवा देते हैं वो गधे होते हैं एक नंबर के, मैं नहीं। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले ही बोला ये डोमेन रेंज सारी जिंदगी का कंसेप्ट है। तो ये नहीं है कि इतने से क्वेश्चनों में डोमेन रेंज खत्म होगी। दिस विल गो ऑन, करते रहेंगे 2 साल तक। बट यस, फॉर द टाइम बीइंग वी विल एंड दिस कि हमने काफी टाइप्स खत्म कर ली है। हम मॉड्यूलस भी पढ़ लेंगे, हम क्वाड्रेटिक वाला भी कुछ कुछ पार्ट पढ़ लेंगे, हर चीज पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जय माता दी, जय गुरु जी। अब पहली बात, हर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि भैया वही बना बनाया कंसेप्ट चलता है। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आप लोगों के लिए, हमने इन सबके डोमेन और रेंज ही निकाले। अब पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा, एफ ऑफ एक्स इज 3 - x / x - मैंने कहा हर क्वेश्चन इज नॉट द सेम क्वेश्चन रेंज निकालने के लिए। यू कैन यूज योर कॉमन सेंस ऑल्सो, बट फॉर द टाइमिंग अगर हम यहां देखें, जब मेरे को डोमेन निकालना है एक्स माइनस थ्री है, तो ऑब्वियसली एक्स माइनस थ्री जीरो नहीं हो सकता। तो मतलब x, अगर ये जीरो होता तो x क्या होना चाहिए? 3। सो दैट मींस डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सेट कंटेनिंग 3। बाऊ जी कुछ भी हो सकता है, बस यहां पे 3 नहीं आ सकता, बिकॉज अगर यहां 3 आ गया तो मेरी जिंदगी में कलेश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, समथिंग ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी, ऊपर भी ऑब्वियसली 3 डालोगे तो ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन जाती है। अगेन दैट इज नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। अब आया रेंज। सो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने कहा सारे क्वेश्चन सेम नहीं होते। हम यूजली क्या कर रहे थे, y इज इक्वल टू 3 - x / x - 3, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। यहां जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो दोनों तो सेम है, सिर्फ दोनों में फर्क क्या है, अगर मैं नीचे से माइनस का साइन बाहर निकाल दूं, सो दिस विल बी 3 - x ओनली। द टाटा द बाय बाय, व्हाट दिस बिकम्स, इट बिकम्स -1। सो माय रेंज विल बी सिर्फ सेट कंटेनिंग -1। हमें जरूरत ही नहीं है एक्स और वाई वाला कुछ खेलने की। क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन सेंस बता रही है कि दोनों ऊपर नीचे सेम नंबर लिखे हुए भैया, सिर्फ उनमें किसका फर्क है, एक माइनस के साइन का फर्क है। आप पुट भी करके देख लो, आप यहां 5 डाल दो, 4 डाल दो, 7 डाल दो, 2/3 डाल दो, 0 डाल दो, -1 डाल दो, कुछ भी डाल लो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो रेंज हमेशा क्या आएगी, सिर्फ सेट कंटेनिंग -1। तो दिमाग में डाल देना, अगर ऊपर नीचे सेम नंबर हैं, सिर्फ फर्क है, तो y का कंसेप्ट नहीं करना, सिंपल सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? करिए नोट। ठीक है जी, ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन उठाने लगा हूं। अगले में क्या हुआ, अगला कहता x² - 16/x - बाऊजी अब हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें फंक्शन ऐसे लिख के दिए। अब ये नहीं कर सकता, मुझे पता है x² - 16 इज अल्टीमेटली व्हाट, x - 4 - x + 4, राइट? यही होता ना, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। क्यों? डोमेन अभी हमें फंक्शन यही दिया हुआ, सो दैट मींस कि डोमेन इसका क्या होगा, x - 4 अगर 0 होता तो x क्या होता, 4। मतलब डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सेट कंटेनिंग 4। भैया यहाँ पे आप जो मर्जी हो जाए 4 नहीं डाल सकते हो। क्यों? अगर आपने यहाँ पे 4 डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, समथिंग अपॉन 0, या तो 0/0 बन रहा है, अगेन दैट इज व्हाट नॉन डिफाइंड फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो हम यहाँ 4 नहीं डाल सकते, 4 के अलावा दुनिया की कोई भी वैल्यू डाल दो, कोई टेंशन की बात। क्लियर?
ठीक है। अच्छा अब रेंज की बारी आई, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर x माइनस, अब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 x प्लस। अब मैं ऐसे करके काट सकता हूं, क्यों काट सकता हूं, बिकॉज सुनना बात ध्यान से, x माइनस 4 अब कैंसल हो सकते हैं, बिकॉज x माइनस 4 कभी भी जीरो नहीं होंगे, क्योंकि x की वैल्यू कभी 4 हो ही नहीं सकती, तो ये कभी भी जीरो नहीं बनेगा, ये जीरो नहीं होगा, दैट मीन्स दिस कैन बी कट। तो y कितना आ गया, x प्लस। y कितना आ गया, x प्लस 4, ठीक है। अब x कभी भी क्या नहीं हो सकता था, 4 नहीं हो सकता था, अगर x 4 होता तो ये क्या बनता, 4 प्लस 4 ये क्या बनता, 8, क्योंकि x 4 नहीं हो सकता, सिंस ध्यान से देखना x इज नॉट इक्वल टू 4, डोमेन यही कह रहा है x 4 नहीं हो सकता कभी भी, देयरफॉर y कैन नेवर बी इक्वल टू 8, x 4 नहीं हो सकता तो 4 प्लस 4 y कभी 8 भी नहीं हो सकता, देयरफॉर रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सेट कंटेनिंग, क्योंकि x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती तो y की वैल्यू, रेंज की वैल्यू कभी 8 नहीं हो सकती, तो दैट मीन्स इट कैन बी एनी डैम थिंग एक्सेप्ट व्हाट वैल्यू 8, गेटिंग द पॉइंट। अब x की वैल्यू यार 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, 7 डाल सकते हो, 0 डाल सकते हो, माइनस 1 डाल सकते हो, तो आपके पास अलग अलग आंसर आते रहेंगे, रूट 2 डाल दो, रूट 3 डाल दो, रूट 5 डाल दो, कुछ भी डाल दो आपके पास आंसर आएगा, बट आप यहां x की वैल्यू कभी भी 4 नहीं डाल सकते, क्योंकि ये फंक्शन फिर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सो कॉमन सेंस यूज करनी है, देखना है अगर ऊपर नीचे फैक्टर सेम होते हैं, सेम चीज है, तो भैया उसको करने का स्टाइल थोड़ा अलग हो जाता है, मैंने पहले बोला रेंज है, रेंज सबका बाप होता है, इसका स्टाइल ही अलग है काम करने का, क्लियर, ठीक है जी, थोड़ा टाइम लगता है ग्रास्प करने में इस चीज को, कोई बात नहीं। ठीक है अब आते हैं मेरे फेवरेट क्वेश्चन, जो है गंदे क्वेश्चन, जो पेपर में बहुत आते, ये पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब डोमेन की बारी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप जीरो के इक्वल पुट करो तो एक्स स्क्वायर शुड बी माइनस 1, यार एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हो ही नहीं सकता, ये तो क्या रियल नंबर तो नहीं है ना, तो नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर्स, आर के अंदर तो पॉसिबल नहीं, देयरफॉर डोमेन इज, यहां x की आप कोई भी वैल्यू डाल दो, 0, माइनस 1, 2, 3, रूट 2, माइनस 2 बाय 5, जो मर्जी डालो, ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, तुम्हें शायद मैथ्स आ जाए या मैथ्स ना आए, बट ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर यू कैन पुट एनी डैम वैल्यू हियर, कोई दिक्कत की बात, क्लियर, गेटिंग द पॉइंट। रेंज, अब जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर था, भैया ध्यान से देखना, और मैं अभी दोबारा बोल रहा हूं यहां पे, अब ये हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, दीज आर नॉट पॉसिबल, अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं देखा तो भैया प्लीज पहले लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर के आपको कंसेप्ट देखना पड़ेगा, बिकॉज हम यहां पे उसका कंसेप्ट यूज करने वाले, ठीक है, तो आपको वो देखना ही देखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दैट कंसेप्ट, तो हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास वो लेक्चर्स नहीं है किसी के पास, मेरे को मैसेज करना, आई विल सेंड यू दोज लेक्चर्स, बट इन क्वेश्चंस को आगे ना देखना, कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी हमने यहां से, ऑब्वियसली ये रूट में है, तो ये रूट के अंदर है, सुनना बात, ठीक है, ये बात समझ आई, मैंने x की वैल्यू लिखी है,
So 3 minus y upon y has to be greater than or equal to 0. ये अंडर रूट के अंदर जो भी है ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता. अब इनइक्वालिटी आती है यहां पे जो मैं बोल रहा हूं. हमने इसको अगर माइनस को साइन को बाहर निकाला, दिस बिकम्स वाई माइनस. सो यू नो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस वन. दिस विल बिकम वाई माइनस थ्री ओवर वाई. साइन विल चेंज, इट विल बिकम लेस देन इक्वल टू जीरो. आई होप ये कंसेप्ट आप सबको याद है. इनइक्वालिटीज देख लेना जिसने नहीं देखा हुआ. अब ये दो फैक्टर बन गए, y माइनस थ्री को जीरो से इक्वेट किया तो y आ गया थ्री, और y को जीरो से इक्वेट किया y आ गया जीरो. तो दो पॉइंट आ गए जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते थे. सबसे राइट वाला क्या होता था, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव. वेवी कर्व मेथड इसको हम कहते थे. ठीक है, आप इसको ऐसे लिखो चाहे आप सीधे लिख लो. ठीक है जी, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब ये देखना है हमें यहाँ पे क्या चाहिए. हमें चाहिए नेगेटिव वैल्यू. नेगेटिव वैल्यू कहां से कहां आ रही है, जीरो से थ्री में आ रहा है. सो दैट मींस कि भैया यहां पे वाई कब वैलिड है, जब वो जीरो से थ्री में. जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जीरो थी. तो इट इज ओपन ब्रैकेट नॉट इंक्लूडेड से थ्री. थ्री इज इंक्लूडेड वाई बिकॉज थ्री न्यूमरेटर की. तो न्यूमरेटर हमेशा इंक्लूड होता है, डिनोमिनेटर इंक्लूड नहीं होता. बार बार बोला बिकॉज अगर y जीरो इंक्लूड कर दिया तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा. जीरो से थ्री विल बी व्हाट, दिस इज माय रिच. अगले ये जो क्वेश्चन लिखे हैं ये सारे इसी कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे. सबके अंदर हमने ऐसे ही x की वैल्यू लीनियर टर्म्स में निकलेगी और हमारे पास लीनियर ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी बनेगी. हम उसके अंदर से ये फैक्टर्स बनाएंगे और हम रेंज लेंगे. ठीक है, आई होप थोड़ी सी बात समझ आई. करो इसको नोट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आई एम रबिंग इट आउट. अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 ओवर 2 माइनस x स्क्वायर. सो डोमेन ये 2 माइनस x स्क्वायर को अगर 0 डाला तो x स्क्वायर कितना आ गया 2, x कितना आ गया प्लस माइनस 2. तो भैया डोमेन क्या होगा, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस रूट 2 एंड रूट. ये दो वैल्यूज नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों वैल्यूज पे ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा. इसके अलावा दुनिया की जोन सी मर्जी वैल्यू डालो, साला कोई टेंशन नहीं है, चिल आउट है, बिकॉज ये जीरो नहीं बनता. जीरो कब बनता है, आइदर रूट टू पे और माइनस रूट. सो डोमेन इज इजी, डोमेन इज वैसे भी कंपेरेटिवली इजियर, पर ये सिर्फ एक नंबर देता है आपको, चार नंबर के क्वेश्चन. रेंज ने आपको तीन नंबर देने हैं. अब अगेन वी कम टू दिस कंसेप्ट, y इज इक्वल टू 5 ओवर 2 माइनस x मल्टीप्लाई. अगर ये कंसेप्ट समझ आ जाए फिर तो बच्चा कहता है यार सर मजाक करिए यार, कुछ भी नहीं ये आ गया. अब बाबू जी ये रूट में है, रूट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जीरो हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो हो सकती है. दो फैक्टर आ गए, यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, वाई दोनों पॉजिटिव फैक्टर है. तो वाई या तो 5/2 है या फिर वाई यहाँ से क्या आया है, जीरो आया है. तो बाबू जी आपने यहाँ पे पुट किया जीरो और 5/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. हमें क्या चाहिए, हमें ग्रेटर देन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए. तो माइनस इनफिनिटी से जीरो, अब जीरो इंक्लूड डिनोमिनेटर की वैल्यू थी तो नहीं होगा. यूनियन 5/2 न्यूमरेटर की वैल्यू थी तो क्या होगा, इंक्लूड होगा. ये मेरी बाउजी क्या होगी, रेंज होगी. हमेशा वाई कहां से कहां डांस करेगा, या तो माइनस इनफिनिटी से जीरो करेगा या फिर 5/2 से इंफिनिटी.
ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आई होप, बड़ी भगवान से विनती करके आई होप कि आपको थोड़ा सा कुछ समझ आ जाए। समझ आ गया तो भैया मैं जीत जाऊंगा, ज्यादा ना भी है थोड़ा ही आ जाए बस। वो ठीक है, ये होमवर्क है आपका। अगला है एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो डोमेन वन प्लस एक्स स्क्वायर, जीरो पुट किया एक्स स्क्वायर कितना आ गया माइनस वन, नॉट पॉसिबल, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता रियल नंबर में। माय डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। रेंज अब तक तो थोड़ा थोड़ा समझ आ जाना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। बाबू जी अंडर रूट आ गया, ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू शून्य, पर यहां नेगेटिव वाई है। तो वो भी नहीं हम देख सकते, हमें वाई का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो मल्टीप्लाई वाई माइनस वन, तो भैया वाई ओवर वाई माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो हो गए। अब यहां से जब फैक्टर निकले तो ये जीरो निकला और एक क्या निकला वन। भैया नंबर लाइन बनाई जीरो और वन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कहां से कहां है, जीरो से वन। अब जीरो इंक्लूड होगा, जीरो इंक्लूड होगा, हां जी बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि जीरो कौन सा फैक्टर है, न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का फैक्टर है वन, तो वन बाउजी इंक्लूड नहीं होगा। ये मेरी रेंज है। अब वैसे भी देखो अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, एक्स स्क्वायर ओवर वन वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब अगर एक्स की वैल्यू यहां पे टू डालोगे तो ये 4/5 हो गया, थ्री डालोगे तो 9/10 हो गया, 4 डालोगे 16/17 हो गया, 5 डालोगे 24/25 हो गया, ठीक है जी। 0 डालोगे तो 0/1 0 हो गया। नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती ये भी चीज, है ना। एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हमेशा एक बड़ा होगा। सिर्फ कब नहीं हो रहा, जीरो आंसर आ रहा है जब दोनों की वैल्यू जीरो डाली, उसके अलावा हमेशा आंसर डिनोमिनेटर एक बड़ा है। तो वन तो कभी भी बनने ही नहीं वाला, दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो दैट इज व्हाई वन इज नॉट इंक्लूडेड, जीरो इंक्लूडेड, ठीक है जी। करिए इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद वाला, द बिग डैडी ऑफ ऑल क्वेश्चंस। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्स, मैंने थोड़ी इज्जत ज्यादा दे देता हूं क्वेश्चन को, मैंने सब कुछ ही रखा। एक्स ओवर वन, अब ये ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है। अभी तक आप देखोगे हमने क्वाड्रेटिक्स लिखी हुई थी, ठीक है जी, या लीनियर था। तो भैया डोमेन की बारी आई तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो इजी हो गया। अब एक्स स्क्वायर ये तो तीसरी बार हम कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। सो माई डोमेन इज ऑल रियल। नाउ कम्स माई रेंज,
y is x over 1 plus x. Now understand, cross multiply, you get y plus x square y is x. अब ध्यान से देख, y x square minus x plus y is 0. It is what? It is a quadratic in x. ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो भैया हमारे पास फॉर्मूला होता था एक्स क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू. क्या बन जाएगा यहां, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, यहां बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, यहां बी है माइनस माइनस फोर इंटू ए क्या है वाई, सी क्या है वाई अपॉन टू ए. तो एक्स इज वन प्लस माइनस वन माइनस फोर वाई स्क्वायर अपॉन टू है. ठीक है, अंडर रूट ऑफ, अब अंडर वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर वाई स्क्वायर है, तो वन माइनस फोर वाई स्क्वायर को ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा. देखो इसको तो हमेशा पॉजिटिव होना है, जीरो या जीरो से बड़ा, और टू वाई नीचे डिनोमिनेटर में वाई है, तो वाई कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. दोनों माइनस ना काट देना, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. ये अब आपको बहुत बार करा दी इनइक्वालिटी में, क्या आएगा माइनस हाफ से हाफ के बीच. ये कह रहा है वाई कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, बट If x is zero, अब आप ध्यान से देखो, अगर आप x को जीरो पुट करते हो यहां पे, तो y is equal to zero over one plus zero, तो y भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो बाय वन क्या होता है, जीरो ही होता है. Therefore y can be zero. यहां से ये हमारे पास बाद में आया, पहले तो ये चीज है ना, y तो यहां से कह रहा है, बट अगर x की वैल्यू जीरो डाल दोगे तो y तो जीरो बन रहा है, तो इसलिए ये चीज की कोई टेंशन नहीं है, ये दिखाना पड़ेगा. तो मेरा आंसर क्या है, माइनस वन बाय टू से वन बाय टू, माई रेंज इज माइनस हाफ से हाफ. अगेन इनइक्वालिटी का कंसेप्ट जिसको नहीं आता वो प्लीज लेक्चर पहले देखना. गुड क्वेश्चन, बिकॉज यहां पे एक आपके पास क्या बन गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसे आपके पास और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, अब x की जगह यहाँ 5x भी लिखा हो सकता था, नीचे 1 प्लस एक्स की स्क्वायर की जगह 3 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखा हो सकता था. सो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू सॉल्व इट आउट, उसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है, डरना नहीं है कि हाय क्या करेंगे. ठीक है जी, अब आते हैं मॉड्यूलस फंक्शंस के. सो डोमेन यार न्यूमरेटर में है, कुछ भी डाल दो एक्स, कोई टेंशन है, तो विल बी ऑल रियल नंबर्स. रेंज यार मॉड है, क्या है मॉड, क्या मॉड कभी जीरो होता है, नेगेटिव होता है, नहीं. सो भैया मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही हमने पढ़ा, एब्सोल्यूट वैल्यू है, दिस विल ऑलवेज बी व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, है ना, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, तो बस दैट इज इट, वाई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो,
ये मेरा वाई है बेसिकली, तो रेंज मेरी क्या आ गई यहाँ से, सिंपल है ना, जीरो से इंफिनिटी, खत्म क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। बट अगर अब मेरा फंक्शन आया क्या, एफ ऑफ एक्स है मेरा 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस, देखो डोमेन इसका भी क्या है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, व्हाई, बिकॉज एक्स की यार कुछ भी वैल्यू डाल दो, कोई टेंशन थोड़ी ना है, न्यूमरेटर है यार, बल्ले बल्ले, व्हाट इज द टेंशन, नो टेंशन एट ऑल, जो मर्जी डालो, √2 माइनस √2 5 3 माइनस 2 कुछ भी डाल लो, आंसर आएगा ही आएगा। अब रेंज की जब बारी आई, किसकी बारी आई, रेंज की, तो भैया मुझे इतनी बात तो पता है कि मेरा आंसर ये जो मॉड है, ये बेसिकली मैंने ऐसे लिखा तो आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, जीरो के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा और लेस देन क्या होगा, इंफिनिटी होगा, हाँ या ना। अगर अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं, उसके आगे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इंफिनिटी बन जाएगा, तो साइन चेंज होगा, तो सबसे छोटा मैंने सबसे पहले लिख लिया, ठीक है, माइनस जीरो लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात, मतलब अब साइन चेंज करके लिख दो चाहे मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, एक ही बात है ना, वही मतलब मैंने मल्टीप्लाई बाय माइनस वन किया, आगे यहां टू है, तो जब मैं टू ऐड करता हूं, टू माइनस इंफिनिटी, अब टू माइनस इंफिनिटी भाई साहब कर सकते हो क्या, माइनस इंफिनिटी तो रहेगा, पर ये मेरा क्या बन गया अंदर, ये मेरा बन गया एफ ऑफ एक्स, टू माइनस जीरो विल बी टू, सो इट सेज माय रेंज विल बी व्हाट, माय रेंज विल बी माइनस इंफिनिटी से टू, टू सॉरी टू इज इंक्लूडेड, क्यों, अगर यहां पे x की वैल्यू 3 होती तो 3 माइनस 3 ये 0 का मॉड बन जाता और 2 माइनस 0 वुड हैव बीन 2, ठीक है जी, वरना हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव के अंदर ही आ रहा है, तो माइनस इंफिनिटी से 2 बने। अगला क्वेश्चन आया, f of x is equal to mod of x minus 5 over x minus 5. अब देखो, domain will be, for domain, x minus 5 अगर 0 होता तो x square 5, तो domain will be all real numbers except set containing 5. 5 नहीं यहां डालना, because 5 डाल दिया, मेरी जिंदगी का कलेश हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 5 नहीं डाल सकते। उसके बाद आई रेंज की बारी, अब अंडरस्टैंड, मैंने आपको मॉड्यूलस का फंक्शन सिखाया था, मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव, मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव विल बी एक्स माइनस फाइव, कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन फाइव, अब इक्वल तो हो ही नहीं सकता बिकॉज फाइव, इट कैन नॉट बी फाइव, तो ग्रेटर देन फाइव होगा तो ये नॉर्मल रहेगा, और इसको आप लिखोगे माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव अगर x इज लेस देन 5, यही सिखाया था, मतलब मॉड ऑफ x माइनस 5, यहां फिर दे रहा हूं एग्जांपल में लिख रहा हूं, अगर x इज 7 तो मॉड ऑफ x माइनस 5 को आप नॉर्मल लिख दो 7 माइनस 5 बिकॉज इट विल बी 2 ओनली, और अगर x इज माइनस 7 तो आप मॉड ऑफ x माइनस 5 को लिख सकते हो माइनस ऑफ x माइनस फाइव ब्रैकेट, आंसर मेरा पॉजिटिव ही आ रहा है, कब आएगा पॉजिटिव, जब मैंने मॉड हटा दिया और पूरे ब्रैकेट के आगे क्या लगा दिया, एक माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, तो यह मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूं क्यों मैं माइनस में लिखूं, सो जब रेंज की बारी आती है, When x is greater than 5, मेरा फंक्शन क्या बन जाता है, फंक्शन विच इज x माइनस 5 का मॉड ओवर x माइनस 5 विल बी x माइनस 5 ओवर x माइनस 5, दिस विल बी 1, एंड when x इज लेस देन 5 तो फंक्शन मेरा
विल बी, अब ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस फाइव ओवर x माइनस फाइव विच विल बी माइनस वन. तो सिर्फ दो वैल्यूज आ सकती हैं रेंज में क्या, या तो मेरा आंसर होगा माइनस वन या फिर मेरा आंसर क्या होगा वन. इसके अलावा यहाँ पे कोई और आंसर आ ही नहीं सकता. और आप देख लो बाकी हम सच बोल रहे हैं. क्यों, यहाँ सिक्स डाल के देखो, सिक्स माइनस फाइव कितना हुआ वन, सिक्स माइनस फाइव कितना हुआ वन, वन ओवर वन कितना हुआ वन, सेवन डाल दो, सेवन माइनस फाइव टू कम और टू, टू टू बाय टू वन. अगर अब यहाँ पे आप डालते फाइव से छोटी वैल्यू, लेट से थ्री डाला, अगर आप यहाँ थ्री डालते तो थ्री माइनस फाइव कितना होता, माइनस टू का मॉड क्या होता है टू, और नीचे माइनस टू है तो टू बाय माइनस टू आंसर क्या आता, माइनस वन. तो आंसर या तो माइनस वन आएगा या फिर क्या आएगा, वन आएगा. ठीक है जी. सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए ढेर सारे क्वेश्चन लिख दिए, टू प्रैक्टिस आउट. किसी को किसी में भी दिक्कत आएगी, आई एम देयर, मैसेज करो, आंसर पूछो, कोई टेंशन नहीं है. कोई चीज नहीं समझ आती दोबारा करना. पर पहले एक हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं, इसको दोबारा एक बार नहीं, इसको कम से कम तीन बार करने की कोशिश करनी है, बिकॉज दिस इज अ ट्रिकी कंसेप्ट. किसी को भी, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको पहली बार में समझ आ जाए सब कुछ. तो डू नॉट फील शाय, डू नॉट फील अशेम, डू नॉट फील कि भाई हम लुट गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा. 99.99% बच्चों को ये चीज पहली बार में समझ नहीं आती है. मैंने बहुत स्लो कराने की कोशिश की है, बहुत तोड़ के कराने की कोशिश की है, बिलीव मी, कोई बात नहीं, नहीं समझ आएगा, मैं बैठा हूं. बट पूछना है डाउट, ठीक है, करना है ट्राई, ट्राई करना है, जीतेंगे हम पक्का. लव यू ऑल, एंजॉय, ऑल द बेस्ट.